तो आप सबका स्वागत है हमारे सिंपल रेसिपी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, लाल मिर्च, मूंगफली की गुदी, थोड़ा सा मखाना। मसाला को क्रीमी करने के लिए मखाना हमने डाला है। टमाटर, थोड़ा सा पानी ऐड करा है। मसाला पिस चुका है, इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये है गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, नमक, यहाँ पे कड़वा तेल डालेंगे गरम होने के लिए। ये है सरसों का तेल, तेल गरम हो चुका है, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। चार आलू छोटे छोटे, इसको हम फ्राई करेंगे। मसाला हमने ऐड कर दिया है, अब इसको अच्छे से चलाकर भूजेंगे। तो कढ़ाई में तेल डाल लेंगे गरम होने के लिए। थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे पनीर को। मसाला हमारा हो चुका है, अब इसमें सीटी लगा देंगे थोड़ी देर, आलू पक जाए। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। मसाले में ऐड करेंगे मटर, टमाटर, थोड़ा सा मखाना। इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए मसाला कितना क्रीमी हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। मसाला हमारा भून चुका है, अब इसमें पानी ऐड करें। आलू हमारा हो चुका है, अब इसमें पनीर ऐड करेंगे। धनिया थोड़ा छोड़ेंगे, बस इसको ढक देंगे। तवा गरम हो चुका है, अब इस पर रोटी डालेंगे। रोटी को अच्छे से पलटेंगे।